अब समझिए तीन चीजें उसमें से निकाल लीजिए और एक चीज दाखिल कर दीजिए इस मगरबी निजाम में से, वो इस्लाम का निजाम हो जाएगा। सूद निकाल दीजिए, अपना सरमाया है काम करो मेहनत करो, थोड़ा सरमाया है छावड़ी लेके जाओ, शाम तक 150 रुपए हो ही जाएंगे, ज्यादा हो गया रेडी लगा लो, ज्यादा हो गया है दुकान बनाओ, खोखा लगाओ, दुकान बनाओ और करो, एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, अपना सरमाया अपनी मेहनत जो चाहो करो, मिलकर सरमाया भी जमा कर लो और मिलकर मेहनत करो, ठीक है कोऑपरेटिव बना लो, शराकत कर लो, इजाजत है, मेहनत करो तुम्हारा होगा ये, लेकिन सिर्फ पैसा पैसे को कमाए ये पसंदीदा नहीं है, पैसे के साथ मेहनत लगे। अभी मैंने सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल किया पसंदीदा नहीं है, जो चीज शरीयत में पसंदीदा नहीं उसे मकरूह कहते हैं, और जो बिल्कुल हराम हो हराम मुतलक उससे ये कमतर दर्जे की शय है, मकरूह जायज होती है, फला शय मकरूह है इसका मतलब हराम नहीं है, पसंदीदा नहीं। अब इसको यूं समझिए, अगर आप अपनी नकद की पूंजी कहीं रखकर बैंक में और 12% या 10% मुनाफा सालाना ले रहे हैं, इसमें ना आपकी कोई मेहनत है कोई दखल नहीं है, ये सूद है, हराम मुतलक है, इतना बड़ा हराम है जितनी के कोई दूसरी शय हराम नहीं, शराब से सैकड़ों गुना हजार गुना ज्यादा हराम, जिना से सैकड़ों गुना ज्यादा हराम, ये मैं नहीं कह रहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रिबा सबऊना हुबन सबऊना जुजन, इस सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं, ऐ सरोहा सबसे हल्का इसके मसावी है, अयन के हर रजुल उम्महू के कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना करे। अब हिसाब किताब जोड़ लीजिए, रेशो प्रोपोर्शन बना लीजिए, सूद निकाल दो। हां कुछ शक्लें हैं कि जो जायज करार दी गई हैं बगैर मेहनत के भी पैसा कमाने की, वो क्या है? आपके पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख किसी को दे दिया कि आप मुझे 10,000 महाना देते रहिए, हराम हो गया। 10 लाख का मकान बनाइए और वो मकान किराए पर दे दीजिए 10,000 महाना पर या 5,000 महाना पर, ये जायज है, मेहनत तो इसमें भी नहीं लगी ना, मकरूह है पसंदीदा नहीं है। मकान उतना ही बनाओ जितनी तुम्हारी जरूरत है, और अगर जरूरत से दायित्व बना लिया है अपने भाई को दे दो। माजी करीब के अंदर भी हमारे देहात में मकान के किराए का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं था, लेकिन हलाल है हराम नहीं है। अलबत्ता इसको जो चीज क्वालिफाई कर देती है वो क्या है, प्योरीफाई कर देती है, वो ये है कि 10 लाख अगर किसी को नकद दिया तो इसका भी इम्कान है कि वो 15 लाख बन जाए 20 लाख बन जाए, इसका भी इम्कान है 5 लाख रह जाए साल में, वो माए है फ्लूइड है। उसमें अगर आपने नकद तय कर लिया कि मैं तो इतना लूंगा, ये हराम मुतलक है सूद है, लेकिन मकान 10 लाख का बनाकर दिया है तो जाहिर बात है कि उससे वो क्या लेगा सिवाय इसके कि महीने भर रहा है उसका बदल आपने ले लिया, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये फिक्स्ड फॉर्म ऑफ कैपिटल है, वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ कैपिटल है, लिहाजा फर्क है। इसी तरह मुजारबत है जायज है, वो जायज क्या है, मेरे पास पैसा है मेरे अंदर सलाहियत नहीं, या मैं बीमार हूं या मैं बूढ़ा हूं, या खुदा फर्ज कीजिए कोई खातून है वो पैसा घर में नहीं रखना चाहती, कहती है कि भाई काम में लगे, किसी ऐसे शख्स को दे दे जिसके पास सरमाया नहीं है वो काम करे, इसको कहते हैं मुजारबत, सरमाया एक का काम दूसरा करे। इसमें अगर नफा हो जाए तो दोनों तकसीम कर सकते हैं, जो भी तय हो, आधा आधा हो, तिहाई और 2/3 हो, जैसा भी तय हो जाए, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो पूरा नुकसान माल वाले पर आएगा,
कोई तावान नहीं देना पड़ेगा कि मैंने तो तुम्हें 10 लाख दिए थे, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, मुझे तो 10 लाख वापस करो। नहीं भाई, मैंने काम किया, कारोबार किया, नुकसान हो गया, उसके तो 8 लाख रह गए। इसमें तावान मुजारिब पर नहीं आएगा, आमिल पर नहीं आएगा। हां, उसकी मेहनत गई और इसका पैसा गया। इस शर्त के ऊपर कि तावान और नुकसान उस काम करने वाले पर ना आए, मेहनत करने वाले पर ना आए, जायज कर दिया गया कि आप मुजारबत के अंदर पैसा लगाकर और उसमें अगर नफा हो जाए तो कुछ ले सकते हैं। ये दो शक्लें हैं, जायज हैं, पसंदीदा नहीं है। बाकी वो शक्ल मुअय्यन शरा से नफा ही नफा, नफा ही नफा, ये जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं, हराम मुतलक, जिना से सैकड़ों गुना ज्यादा हराम, शराब से लाखों गुना ज्यादा हराम। एक तो ये निकाल दीजिए अमेरिका के निजाम में से, अगर ये निकाल दें यहूदियों की मौत वाकई हो जाएगी। ये जो फरंग की रगे जा पंजा यहूद में सूद की वजह से, फंदा सूद का। दुनिया की सबसे बड़ी मकरूज हुकूमत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। कर्ज खा कौन है? यहूदी बैंकर्स हैं। और अमेरिका की हुकूमत, जिसको आलमी और सुपरम और सुप्रीम ताकत कहा जाता है, उसकी हुकूमत को अपनी करेंसी पर इख्तियार नहीं है। इशू एंड कंट्रोल ऑफ करेंसी इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज इन द हैंड ऑफ द बैंक विच इज ओन्ड बाय द ज्यूज। दूसरी शय कौन सी निकाले अमरीकी निजाम में से? जुआ। देखिए, चांस भी एक फैक्टर होता है। जो भी प्रोडक्शन होती है, कुछ 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 उसका सरमाया है, कुछ मेहनत है, कुछ चांस भी होता है। वही सरमाया वही मेहनत आज ज्यादा दे गया, वही सरमाया वही मेहनत कल उतनी कमाई नहीं हुई, वही सरमाया वही मेहनत परसों हो सकता लॉस हो जाए, चांस है ना। लेकिन बहस चांस की बुनियाद पर कमाना हराम मुतलक, ये फर्क है। जुआ किसे कहते हैं? दाव खेलो बहस चांस पर, वारे न्यारे, लॉटरी, ये सारा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एकदम जलजला आ जाता है। क्यों आ जाता है? सारे स्पेकुलेशंस के ऊपर मामला चल रहे हैं, और जिनके हाथ में वो लीवर है उस स्टॉक एक्सचेंज का, यहूदी, जरा हरकत देंगे जलजला आ जाए। इसीलिए कहा गया फसल, बाग का फल जब तक आ ना जाए उसका ठेका नहीं तय किया जा सकता।